हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स सैंपल पेपर सीबीएसई टर्म 1 के लिए सेशन 21-22 के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए, तो सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन बी में भी आपका क्या 20 क्वेश्चन होंगे, पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और इनमें भी आपको क्या 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81 और इनका एचसीएफ क्या है 81, देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, तो इनके पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे इन नंबर के, वो निकालना। तो देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं हम लोग का दो कोई नंबर है, तो x है कोई नंबर और y कोई नंबर है, तो इनका एचसीएफ बोल रहा है 81 है, तो 81 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 81 इनके मल्टीपल्स में होगा दोनों नंबर का, और इन दोनों नंबर का सम जो बोला है वो कितने के बराबर हो रहा है 1215 के बराबर हो रहा है। यहां से 81 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1215, तो देखिए ये कट रहा है 9 से, 9 से, और यहां ये क्या जाएगा 9 वन 135 बार में कट जाएगा, ये 9 से ये कट जाएगा 9 वन 95, तो x प्लस वाई क्या है क्या हमारा 59। तो देखिए पॉसिबल पेयर क्या क्या होंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 114 भी, तो दोनों का जो 15 के बराबर है, ठीक है 2 और 13 ये भी 15 है, और देखिए ये क्या होना चाहिए कोई को प्राइम पेयर्स होने चाहिए, ठीक है ये क्या है को प्राइम होने चाहिए। देखिए आप 3 और 12 ये दोनों आप नहीं ले सकते, देखिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है पेयर को प्राइम पेयर नहीं, ये आप नहीं ले सकते जबकि इनका जोड़ क्या है 15 के बराबर है। और क्या आप ले सकते हैं 4 और 11 भी ले सकते हैं, इनका पेयर क्या है इनका सम क्या है 15 हो जाएगा, और आपका 7 और 8 ले सकते हैं, ठीक है तो आपके पास कितने पेयर होंगे 4 पेयर आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन एंड द लाइन x इक्वल टू जीरो। देखिए आपको क्या है x इक्वल टू जीरो का लाइन का मतलब क्या है, ये y एक्सिस को डिनोट करता है, ये हमारा क्या है y एक्सिस को डिनोट, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आपको जो ट्रायंगल निकालना है वो ये एरिया निकालना है, ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है वो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है यहां पर क्या है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या आपको उसका बेस पता होना चाहिए और उसका हाइट पता होना चाहिए, तो बेस लेंथ क्या हो जाएगा यूनिट में, तो बेस लेंथ क्या हो जाएगा यहां पर हटाते हैं इसको, बेस लेंथ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर माइनस टू है और यहां पर क्या है 4 है, तो ये आ गया 4 यूनिट आपका इधर हो गया और यहां पर 2 यूनिट हो गया निगेटिव में, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा क्या पॉजिटिव मानेंगे, यहां पर यूनिट क्या हो गया 6 यूनिट हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा उसका मैक्सिमम, ठीक है तो हाइट क्या हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, और ये जो देखिए ये दो लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों के इंटरसेक्ट करने से x बराबर 0 से जो क्या बन रहा है ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ और बेस आपका क्या है 6 यूनिट और हाइट है उसका क्या है 2 यूनिट, यहां से ये कट जाएगा तो क्या हो जाए 6 यूनिट स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 देन tan रेज टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot रेज टू द पावर 20 अल्फा इक्वल टू व्हाट, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, तो देखिए ये वैल्यू 2 तभी आएगा जब आपका अल्फा बराबर 45 डिग्री, जब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 और आपको पता है cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो इस कारण से देखिए तो जब हम tan रेस्ट टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot रेस्ट टू द पावर 20 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा tan 45 डिग्री 20 और यहां पर क्या cot 40
45 डिग्री का पावर 20 है, तो टेन 45 वन, और इस पर पावर 20 है तो कोई मतलब नहीं, वन पर पावर 20 है तो वन ही होगा, और कॉट 45 डिग्री इसका वैल्यू वन होता है, वन पर पावर 20, यहाँ पर क्या वन प्लस वन दैट इज टू, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 217x plus 131y equal to 930 and 131x plus 217y equal to 827, then x plus y is, तो देखिए दो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो 217 प्लस 217x plus 131y equal to 913 दिया हुआ, और 131x प्लस 217y इक्वल टू 827 दिया हुआ, तो हमें निकालना है x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एडिंग बोथ द इक्वेशन पर, यहां से क्या हो जाएगा 7 और 8 4 3 प्लस, ये भी क्या आ जाएगा 7 और 8 3 और 4 सात दो दस पहली वन दो तीन चार 1740, यहां से क्या हो जाएगा 348 x plus y, 348 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1740, तो x plus y क्या हो जाएगा हमारे 1740 बटा 348, ये क्या 5 टाइम्स में कट जाए, तो x plus y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The LCM of two prime number P and Q, P is greater than Q is 221. Find the value of 3P minus Q. तो देखिए LCM of two prime number, तो LCM of two prime number, ये दिया हुआ है क्या 221. तो LCM of two prime number क्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं P और Q दोनों अलग अलग number है, ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, डेफिनेटली एलसीएफ क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो एलसीएफ गुने एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, और एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या दिया हुआ है 221, और एचसीएफ तो डेफिनेटली 1 होगा, दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा पी इंटू क्यू, तो 221 का अगर आप मल्टीपल के फॉर्म में लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए P इज ग्रेटर देन Q बोला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 इंटू 13, 221 कैसे आता है 17 इंटू 13, तो अब आपको क्या मिल गया P मिल गया और Q मिल गया, ठीक है, देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या है 1 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया आपको वैल्यू निकालना है 3P माइनस Q का, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 17 3 जा 51 माइनस 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और ये फॉर्म में से क्या 38 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सप्लेड डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। देखिए एक वेल सप्लेड डेक ऑफ कार्ड है, तो मतलब कार्डों का गड्डी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड है, ठीक है, तो कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास ये क्या हो गए क्लब्स हो गए, ये क्या हो गया आपके पास डायमंड्स हो गए, ये आपके पास क्या हो गया हार्ट्स हो गए, और ये आपके पास क्या हो गया ये आपका स्पेड हो गया, और देखिए हर कार्ड जो है ये जो क्लब है आपका 13 होगा, डायमंड भी 13 होगा, हर्ट भी आपका 13 होगा, और स्पेड भी 13 होगा, तो देखिए हर में क्या होंगे किंग और क्वीन, तो दो एक किंग और एक क्वीन होंगे, यहाँ देखिए एक किंग है और एक क्वीन, यहाँ पर भी देखिए एक किंग है एक क्वीन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं किंग है एक क्वीन है और एक किंग और यहाँ पर भी क्वीन है, तो हर में क्या, तो आपके पास टोटल कितने होंगे 4 किंग हो गए और 4 क्वीन हो गए, तो आपसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ना ही वो जो कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हैं निकाल रहे हैं सेपरेट डेक ऑफ कार्ड में से, तो ना ही वो किंग हो ना ही वो क्वीन हो,
तो 52 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां पर ये क्या हो जाएगा 44, आपके पास क्या हो जाएगा 44 कार्ड। जब आप इन आठ आठ कार्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 52 में से, तो आपके पास 44 कार्ड बना है। तो 52 कार्ड में से 44 कार्ड में ही आपको करना है, यहां पर इसको रिड्यूस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा आपका 26, यहाँ हो गया 11/13। तो ऑप्शन 11/13, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इज। दो फेयर डाइस को रोल किया गया और बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम एक बार क्या आ जाए, 5 आ जाए दो डाइस को जब आप रोल कीजिएगा। तो देखिए आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगे 36। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, देखिए आपके पास 1-1 आ सकता है दोनों डाइस में, 1-2 आ सकते हैं, 1-3 आ सकते हैं, 1-4 आ सकते हैं, 1-5 आ सकते हैं, 1-6 आ सकते हैं। ऐसे क्या आ सकता है, 2-1 आ सकते हैं, 2-2 आ सकते हैं, 2-3 आ सकते हैं, 2-4 आ सकते हैं, 2-5 आ सकते हैं, 2-6 आ सकते हैं। यहाँ पर क्या 3-1 आ सकते हैं, 3-2 आ सकते हैं, 3-3 आ सकते हैं, 3-4 आ सकते हैं, 3-5 आ सकते हैं, 3-6 आ सकते हैं, 4-1 आ सकते हैं, 4-2 आ सकते हैं, 4-3 आ सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, 4-5, 4-6, 5-1 आ सकते हैं, 5-2 आ सकते हैं, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1 आ सकते हैं, 6-2 आ सकते हैं, 6-3 आ सकते हैं, 6-4 आ सकते हैं, 6-5 आ सकते हैं, 6-6 आ सकते हैं। अब आपसे क्या बोला है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 36 ऐसे हैं जो आ सकते हैं। अब बोला कि कम से कम 5 विल कम एट लीस्ट वंस इज, कम से कम 5 जो है एक बार आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक हो गया, ये 1-5 में एक और 5 आ रहा है, इसमें देखिए 2, इसमें देखिए 3, इसमें देखिए ये 4, इसमें देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां नीचे देखिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया 11, 11/36। तो आपका 11/36 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, ये बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहां ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए एक चीज तो आपको पता है आइडेंटिटीज में, कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर दिया था माइनस 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से आप कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया यहाँ पर, तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 को गए, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहां से देखिए हम माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को ब्रेक कर दिए, तो माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखा जा सकता है। अब यहां से देखिए दो दो कॉमन ले लेते हैं,
इनमें और इनमें क्या कॉमन है? साइन अल्फा कॉमन, 2 sin alpha कॉमन है, यहां से क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो माइनस कॉस अल्फा कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक तरफ कॉमन निकाल दिया, बचा जो उसको एक तरफ लिख दो, 2 sin alpha माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। यहां से क्या हो जाएगा? तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, तो 1 इक्वल टू कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, यहां से क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू कॉट अल्फा। अब देखिए इस वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे, टू साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वल टू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, तो 2 इक्वल टू कॉट अल्फा। यहां से देख रहे हैं कॉट अल्फा का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू 2 है एक वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 और 2। कॉट अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 1 और 2 हमारा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए 1, 2, बी 4, y, सी x, 6 एंड डी 3, 5, देन x, y इज। देखिए हमारा क्या है, यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट है 4, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, 6 और इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 5। और एक चीज आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जो यहां पर जो बाइसेक्ट रहेगा, ये ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, और यहां पर डीओ बराबर हो जाएगा OB। तो यहां पर क्या है, ये एक तरह से O इज द मीड पॉइंट हो जाएगा, O इज द मीड पॉइंट हो जाएगा, तो मीड पॉइंट हो जाएगा, तो ये किस रेशियो में O कट कर रहा है AC लाइन को? 1:1 में, और DB लाइन को भी क्या है? 1:1 में कट कर रहा है। तो यहां पर O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? मान लेते ये हमारा PQ पॉइंट होगा, तो PQ पॉइंट का जो PQ जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर 1 + x/2 कॉमा 2 + 6/2। ठीक है, यहां से ये बराबर होगा, ये है आपका P कोऑर्डिनेट और ये है आपका Q कोऑर्डिनेट, ये बराबर हो जाएंगे आपका, अगर इधर से आप देखेंगे P कोऑर्डिनेट, तो 3 + 4/2 कॉमा 5 + y/2 यहां से, ये हमारा P कोऑर्डिनेट ये क्यों? तो देखिए दोनों केस में P जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा और जो Q कोऑर्डिनेट है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो P को इससे कंपैरिजन कर दीजिए और Q वाले कोऑर्डिनेट को इससे कंपैरिजन करिए, तो आपका x और बन जाएगा 1 + x/2 इक्वल टू 7/2, यहां से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6, और यहां से ये हो जाएगा आपका 2 + 6/2 इक्वल टू 5 + y/2, यहां से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 - 5 इक्वल टू 1, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया, यहां पर x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, तो ऑप्शन A is the right answer, 6, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, कॉमा AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन BD बराबर। हम लोग को फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा क्या है?
एक्स है। तो देखिए यहां पर दो ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है इस एंगल। तो देखिए यहां पर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक हमारा ट्रायंगल हो गया ए सी, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इस दोनों ट्रायंगल के केस में क्या है कि एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है कॉमन, और एंगल ए सी बी जो है वो बराबर है आपका ए डी सी, ये गिवेन है आपका। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों क्या है सिमिलर हो जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल दोनों क्या है सिमिलर हो जाएंगे। तो इस केस में उनके साइड्स क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, तो प्रोपोर्शनल होंगे तो इसके डी के सामने वाला साइड देखिए ये, और इसके सामने वाला साइड देखिए ए बी, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा आपस में बराबर होगा। देखिए तो दोनों ट्रायंगल को देखिए, तो एक ट्रायंगल हमारा ये फॉर्म कर रहा है ए सी बी, और एक ट्रायंगल हमारा फॉर्म कर रहा है ए सी डी। तो हम लोग देखें जो अनकॉमन साइड है ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए, लेकिन ये क्या अनकॉमन अनकॉमन वाले होंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए सी बी में ए बी बाय ए सी है वो आपस में इनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा ए सी बाय ए डी। तो ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप पहले इसको क्या माने एक्स माने, और ए सी आपका क्या हो जाएगा ए सी आपका 8 हो जाएगा, ए सी इधर भी 8 और ए डी आपका क्या है 3 दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 3x इक्वल टू 64। यहां से क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 64 माइनस 9, 3x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 55। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 बाई 3 सेंटीमीटर। यहां से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग कॉमन वाला एंगल को नहीं लिए, एंगल ए और एंगल ए यहां बराबर है, लेकिन हम लोग एक अनकॉमन, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि जो एंगल है उसके सामने वाला साइड, तो इसके सामने वाला साइड का तो वैल्यू हमें के नहीं पता है, तो एसी का बीसी नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या किए दूसरा एंगल उठा लिया यहां से। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 4.5 एंड बी -2.3। देखिए यहां पर एक हमारा कोई लाइन सेगमेंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट है 4.5 और बी जिसका कोऑर्डिनेट -2.3। यहां से कोई क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं इस पी पॉइंट से जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4.1। ठीक है, एल कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ होगा एपी वो बराबर होगा पीवी के, इसका मतलब क्या है कि एपी जो लेंथ है वो बराबर होगा पीवी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पर एपी स्क्वायर पीवी के स्क्वायर के बराबर कर रहे हैं, इससे क्या होगा फायदा कि हमारा रूट पहले ही हट जाएगा। तो एपी क्या है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर क्या कहें ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू ए स्क्वायर 4 यहाँ प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। यहां से देखिए वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, यहां देखिए क्या आएगा -8x
माइनस फोर एक्स माइनस टेन वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फोर प्लस नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी। यहां से क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ये हो गया नौ चार तेरह और इधर क्या हो गया ये छह पांच ग्यारह दो तीन एक चार ये क्या हो गया माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस ट्वेंटी एट। ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो। यहां से क्या हो गया फोर कॉमन ले लिया फोर कॉमन ले लिया तो माइनस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। यहां से फोर हट गया तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई डिग्री बाय कॉट एक्स डिग्री इज। देखिए यहां पर ये हमारा फिगर दिया हुआ है तो बोला है डी इज द मिड पॉइंट। डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो क्या सी डी इज टू डी भी क्या हो गया वन इज टू वन हो गया। ठीक है तो यहां से क्या है कि कॉट वाई डिग्री तो कॉट वाई डिग्री तो कॉट वाई डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कॉट का वैल्यू क्या होता है बी बाई पी। तो कॉट वाई डिग्री के लिए बी क्या हो जाएगा आपका ए सी। बी क्या है हमारा ए सी हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा ये पूरा सी बी हो जाएगा। और कॉट एक्स डिग्री के लिए क्या होगा तो एक्स डिग्री के लिए इस ट्रायंगल में देखिए ए सी डी यहां पर एक्स डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया कॉट एक्स डिग्री क्या होगा बी बाई पी। तो यहां पर कॉट एक्स डिग्री के लिए बेस क्या है आपका ए सी है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है कॉट वाई डिग्री बाय कॉट एक्स डिग्री तो ए सी बाय सी बी बराबर बाय ए सी बाय सी डी ये क्या हो जाएगा ए सी बाय सी बी इंटू सी डी बाय ए सी। यहां से ए सी ए सी कैंसिल हो जाएगा तो सी डी का वैल्यू क्या है वन और सी बी का वैल्यू क्या है ये सी बी क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू वन बाय टू आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 बाय 13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू डेसिमल प्लेसेस। आपको बोल रहा है कि ऑप्शन ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन वो सबसे छोटा नंबर जिससे 1 बाय 13 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या होगा टर्मिनेट कर जाए। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या होता है कि अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखें तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा टू पे पावर एम और फाइव पे पावर एन। यहाँ पर आप ट्वेंटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ट्वेंटी को आप एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे टू टेन टू फाइव तो आप टू पे पावर टू और फाइव पे पावर वन में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। इसका मतलब है कि आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर सर्टेन स्टेज। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है डिवाइड कंप्लीटली आफ्टर सर्टेन स्टेप्स। ठीक है तो अगर देखिए यहाँ पर 20 से हम लोग 5 को डिवाइड करें यहाँ पर आप 0 लगाएंगे पॉइंट देंगे यहाँ 2 बार में 40 0 1 यहाँ 0 दिए आप ये 5 बार में 100 यहाँ पर देख रहे हैं 0.25 आया आफ्टर टू स्टेप्स ये क्या हो गया कंप्लीटली आपका डिवाइड हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कि आप 1 बाई 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर टू डेसिमल प्लेस। तो देखिए 13 बाई 100 को आप क्या लिख सकते हैं 0.13 लिख सकते हैं 13 बाई 10 को आप क्या लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं
10 बाई 13 को आप क्या लिख सकते हो, 0.76 लिख सकते हो, और 100 बाई 13 को आप क्या लिख सकते हो, 7.69 लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है, 0.13 है, तो यहाँ पर 0.13 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या आप 13 बाई 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 आएगा। 1/100 का मतलब, तो 100 को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसमें, 2 to power m और 5 to power n में कर पा रहे हैं। 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया, 2 to power 2 और 5 to power 2, तो आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 100 को, जो कि डिनोमिनेटर है। अगर आप डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 to power m और 5 to power n में, तो वो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन स्टेप वो टर्मिनेट कर जाएगा, और यहाँ पर वो दो डिजिट में कर जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या 0.01 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पता लगाना है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है 1/13 को, तो आपका सबसे छोटा नंबर क्या है, 13/100, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साइड ए बी एंड बी ऑफ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABEE। हमसे पूछ रहा है ये सवाल कि एक ये triangle है, ठीक है, B पर क्या है right angle बन रहा है, और बोल रहा है कि इसके अंदर square का जो ये sides है वो कितना लंबा maximum लिया जा सकता है, इसके जो sides है वो maximum कितना हो, जो कि इसके hypotenuse को भी ये touch कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये x है हमारा, BG जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा तो 8 है, तो यहाँ x हो गया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 8-x, ठीक है, ये लेंथ क्या है पूरा 16 और ये क्या हो गया x, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से 16-x। अब देखिए यहाँ एक दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है AFD और एक ट्रायंगल बन रहा है DGE, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, कैसे तो बोलिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये एंगल इसका क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल से, तो बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DGE, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है ए एफ बाय डी जी बराबर हो जाएंगे एफ डी बाय जी ई, तो ए एफ कितना है आपका, तो ये है 16-x, और डी जी आपका कितना है, डी जी देखिए ये तो x है क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड को आप क्या है x है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा था, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये क्या हो जाएगा नीचे x, और FD, FD क्या है x और y, और नीचे क्या हो गया 8-x, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए 16-x into 8-x equal to x square, यहाँ 16 8 जो 120 है, minus 16x minus 8x plus x square equal to x square हो गया, यहाँ से x square कैंसिल हो गया, ये 128 माइनस ये क्या हो जाएगा 24x इक्वल टू जीरो, यहाँ हो जाएगा 128 इक्वल टू 24x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 128 बाय 24 इक्वल टू x, 4 से ये कट रहा है, 4 6 24 4 3 12 4 2, यहाँ से 2 3 ये हो जाएगा 2 1 2 6, तो 16/3 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/3, तो स्क्वायर यहाँ जो बोला लार्जेस्ट स्क्वायर क्या होगा उसका साइड हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर, तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर -1, 3 एंड एस 9, 8 इन द रेशियो k:1। इफ पी लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखिए कोई लाइन सेगमेंट है आपका R S, तो R आपका क्या है -1, 3 और S आपका क्या है 9, 8, ठीक है, यहां से कोई लाइन जा रहा है आपका, ठीक है, उसका इक्वेशन दे दिया है x - y + 2 = 0,
और ये लाइन जो है इस आर एस लाइन सेगमेंट को के इज टू वन में बांट रहा है, के इज टू वन में बांट रहा है। यहां पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, और एम आपका क्या है, के है, और एन क्या हो गया, वन हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाए, एम एम इंटू एक्स टू तो इंटू नाइन प्लस वन इंटू माइनस वन बाय के प्लस वन, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, एम वाई टू तो एम क्या है, के है, वाई टू क्या है, एट प्लस एन वाई वन थ्री बाय के प्लस वन। यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, नाइन के माइनस वन बाय के प्लस वन, और वाई का वैल्यू क्या आ गया, एट के प्लस थ्री बाई के प्लस वन। तो यहां पर क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है, तो यही तो एक्स और वाई है, एक्स और वाई का वैल्यू तो हम लोग के टर्म में फाइंड आउट कर लिए, तो अब क्या करें, इसमें पुट कर दो, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की जगह नाइन के माइनस वन बाई के प्लस वन माइनस, ब्रैकेट में रखना होगा वाई को, नहीं तो साइन में गड़बड़ हो सकता, k प्लस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहां से क्या हो गया, नाइन के माइनस वन माइनस एट के माइनस थ्री, और यहां देखिए पूरे का हम लोग एलसीएम लेते हैं पहले ही k प्लस वन, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस टू के प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहां से के प्लस वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो गया, यहाँ क्या होगा, नाइन के माइनस वन माइनस एट के माइनस थ्री प्लस टू के प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहां से सॉल्व कीजिए, ये हो गया नौ दस ग्यारह, ग्यारह के माइनस आठ के, ये हो गया तीन एक चार माइनस चार प्लस दो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 11 के में से 8 के जाएगा तो क्या, 3 के माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 इज द राइट आंसर, तो आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2 बाय 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यहाँ हमारा साइड क्या है, स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, और ये एच ई एफ जी क्या है हमारा, ये मीड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां का दूरी 7 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि अगर हम लोग इस लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल में ये क्या है, सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर है तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, यहां से यहां 7 सेंटीमीटर हो गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू, ये हो गया 22 बाय 7 इंटू आर क्या है, 7 इंटू 7 और बाय में 2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11, ये क्या होगा 77 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इस पोर्शन का निकालना है, सेडेड पोर्शन का निकालना है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये जो आपका देख रहा है एच एफ सी डी, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ 14 इंटू 7, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से ये क्वाड्रेंट है, तो दो क्वाड्रेंट को जोड़ेंगे तो एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, तो सेम एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये भी 77 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, ठीक है स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना होगा कि 98 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मतलब ये पूरा 98 था हमारा और उसमें से आप 77 को सब्ट्रैक्ट कर, ये हो गया 1 और ये हो गया 21, तो ऊपर हमारा क्या आया था,
एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या था 77 और यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन कितना आ गया 21, ये हो गया 8 और 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। इनका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, 5 ओलंपिक रिंग्स है। इंटरसेक्टिंग इन सच वे दैट द क्वाड फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज आल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। यहां पर जो दो रिंग आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर जो क्वाड बन रहा है वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूम द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल। आपको क्या करना है, जो ये डॉटेड एरिया है इनका एरिया निकालना है। चार आपका डॉटेड रीजन है, इनका एरिया क्या हो। तो सबसे पहले क्या है, यहां देखिए ये क्या बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा। तो सेक्टर में से जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा निकल जाएगा सेगमेंट, दिखाते हैं आपको। ये रीजन जो होगा आपका वो क्या है सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया इस सेगमेंट का होगा। तो हम लोग अगर एक सेगमेंट निकाल लिया और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये सब के बराबर रहेगा। दो सेगमेंट को मिला के ये पूरा एक रीजन है, फिर यहाँ पर दो सेगमेंट को मिला के एक ये रीजन है और एक दो पूरा सेगमेंट को मिलाकर ये रीजन, तो देखा जाए तो 8 सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट अगर हमको पता चल गया तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सारा निकल जाए। उसको निकालने का क्या तरीका देखिए, तो यहां पर क्या है पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब देखिए यहां पर थीटा क्या होगा, जब ये 1 है और ये 1 है और ये 1 है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है माइनस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री थीटा। यहाँ हो गया पाई, आर क्या हमारा 1 का स्क्वायर, थीटा क्या है 60/360 डिग्री माइनस हाफ इंटू आर क्या है 1 का स्क्वायर, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। यहाँ पर क्या हो गया 1/6 आ गया, तो हो गया आपका पाई बाई 6 माइनस √3/4। ये हो गया एक सेगमेंट का हिस्सा, और ऐसा क्या है 8 सेगमेंट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड रीजन है उसका आंसर क्या हो जाएगा 8 × π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If 2 and 1 by 2 are the zeros of px square plus 5x plus r, then option क्या है? P equal to r equal to 2, P equal to r equal to minus 2, P equal to 2, r equal to minus 2, P equal to minus 2, r equal to minus 2. तो इस केस में क्या करना होगा कि आपका देखिए zeros दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर sum of zeros क्या हो जाएगा? आपका equation ये है, sum of zeros क्या हो जाएगा? ये होता है minus b by a. माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 5/p और सम ऑफ जीरो क्या है 2 + 1/2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5/2, तो माइनस 5/p इक्वल टू 5/2। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गए तो p इक्वल टू -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c/a, जो कि क्या है 2 × 1/2 के बराबर c/a। तो c क्या हो गया r, ये क्या हमारा सी आर, और ए क्या हमारा पी है, तो इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू पी आ गया। तो आर इक्वल टू पी और पी इक्वल टू -2, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पी इक्वल टू आर इक्वल टू -2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इज
एक आपका क्या है सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया है आपको 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और साइड ऑफ द स्क्वायर, तो इसके अंदर एक स्क्वायर रखा गया, पुट किया गया, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, जो कि क्या है 100 सेंटीमीटर के बराबर दिया, 2 पाई आर, यहां से क्या हो जाएगा 100 बाय 2 पाई आपका किसके बराबर होगा आर के बराबर, तो यहां से ये कैंसिल हो गया 50, तो आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 50 बाय पाई सेंटीमीटर, पाई के फॉर्म में रखें क्योंकि आंसर ऑप्शन जो हमारा है वो पाई के फॉर्म में दिया। अब देखिए क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो आपको एक चीज पता है, कि डायमीटर क्या होता है वो 2r के बराबर, और ये क्या है इस केस में अगर a b c d को आप स्क्वायर बनाइएगा वो डायमीटर किसके बराबर होता है रूट टू, स्क्वायर केस में रूट टू ए के बराबर है, अगर आपका ये a है साइड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा r, तो 2 इंटू 50 बाई पाई वो बराबर देगा रूट टू ए के, ये क्या हो गया 100 बाई पाई इक्वल टू रूट टू ए, तो a यहाँ से क्या आ जाएगा 100 बाई रूट टू पाई, अब रूट टू को तो नीचे नहीं रखना है, यहाँ पर क्या है रूट टू बाई रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 100 रूट टू बाई टू पाई, ये कट गया तो आ गया 50 रूट टू बाई पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन देखिए 50 रूट टू पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 रेज टू द पावर x प्लस y इक्वल टू 243 एंड 243 रेज टू द पावर x माइनस y इक्वल टू 3, तो क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, यहाँ पर देखिए 3 रेज टू द पावर x प्लस y इक्वल टू 243, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर x प्लस y इक्वल टू 3 पर पावर 5, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 5 आ गया, एक इक्वेशन आपके पास आ गया, यहाँ देखिए 243 x माइनस y इक्वल टू 3, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 x माइनस y इक्वल टू 3 पर पावर 1, यहाँ पर क्या हो गया 5 x माइनस y, सॉरी ये क्या हो जाएगा 5 x माइनस y इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5 x माइनस 5 y इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन आ गया 5 x माइनस 5 y इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए a1 by a2 is not equal to दिखा रहा है b1 by b2, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आपको दिख रहा है, ये किस केस में होता है जब इसका 1 सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली 1 सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल केस में ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई टू तब होगा जब आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1, ठीक है, तो यहां पर आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपको करने थे 16 क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा 20 क्वेश्चन डिस्कस किया।